बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में आपकी अदालत में बहुत से ऐसे बयान दिए जिनकी वजह से वो चर्चा का विषय बन गई हैं। ऋतिक रोशन आदित्य पंचोली से अपने रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बयान किया था। अपने इस इंटरव्यू में कंगना ने अपूर्व असरानी के बारे में भी बात की। इसके बाद असरानी ने फेसबुक और ट्विटर के जरिए एक्ट्रेस पर निशाना साधा है। अपूर्व कंगना की फिल्म सिमरन के लेखक है। दरअसल अपूर्व हाल ही में फिल्म सिमरन के राइटिंग क्रेडिट को एक्ट्रेस के साथ शेयर करने की वजह से पिछले दिनों सुर्खियों में छाए थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, प्यार लड़ाई और फिल्म प्रमोशन में सब कुछ जायज है, यहाँ तक कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने के लिए भी हताशा को दिखाया जाता है और मनोरंजन के तौर पर उसका आनंद लिया जाता है। वहीं अब अपूर्व ने फेसबुक पर भी एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अचानक उठी इस छदम नारीवाद की लहर से परेशान हो चुका हूँ और हमेशा के लिए इसे बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो महिलाएं सभ्यता और निष्पक्षता की सीमाएं लांघकर आदमियों ने ये किया हम क्यों नहीं कर सकते जैसे तर्क देती हैं, वो सिर्फ समस्याएं पैदा करती है। एक गे पुरुष के तौर पर मैंने पूरी जिंदगी भर पितृसत्ता का सम्मान किया है। आज मैं मिथ्या नारीवाद का सामना कर रहा हूँ जो महिला के अपराध करते समय खुशी से चीयर करते हैं। मैंने इस पूरे मामले को खत्म कर दिया था, लेकिन ये कंगना है जो उन्हें बार बार पब्लिसिटी दे रही है और इस पर बात कर रही है। हम एक ऐसे समाज बन गए हैं जो महिला के नियम तोड़ने को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक पुरुष को इसके लिए शर्मिंदा किया जाता है। आप भूल गई, लिंग के बजाय नियम तोड़ने का एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, अपूर्व ने आगे कहा, मुझे कतई मंजूर नहीं कि फिल्म बनाने और लिखने वालों को सिर्फ इस वजह से परेशान किया जाए क्योंकि तुम एक मुफ्त महिला हो। अन्याय अन्याय ही होता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।